हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल साउथ फेज। पॉलिटिकल आर्टिकल है, तमिलनाडु और केरला में जो चुनाव हैं उसको लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिले वो जरूर नोट करिएगा। फ्रेजेस भी होंगी, कपल ऑफ फ्रेजेस विल बी देयर एंड न्यू वर्ड्स विल बी देयर, तो आपको नोट डाउन करना है। और हमेशा याद रखें, जो भी सेशन आपने अब तक पढ़ लिए हैं उनका रिविजन जरूर करते रहें। अगर आप रिविजन करते रहेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका कि भाई हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। अगर रिविजन नहीं करेंगे तो हर दिन आपको लगेगा कि मैं नए तरीके से ही पढ़ रहा हूँ, तो फिर तो कोई फायदा है नहीं। और ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको फ़ायदा मिले। तो यहाँ तो देखो, हम सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और दो सेशंस मैंने पिछले दो दिनों में अपलोड किए हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। तो वो आप ट्रांसलेशन में डीजी नाम से एक बन रखी है प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाके देखेंगे, वहाँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। और एक बात और बता दूँ कि ग्रामर का जो बैच हमारा चल रहा है वहाँ पर टाइम और टेंस अब कंप्लीट हो चुका है, अब वहाँ कंजंक्शन स्टार्ट होगा। 3 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, टॉपिक वहां पे सभी कंप्लीट हैं, ठीक है, आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं। साउथ फेज नाम से आर्टिकल है। साउथ फेज का मतलब क्या है? साउथ का मतलब दक्षिण है और फेज का मतलब चरण। अब यहां पे चुनावों का जो दौर चल रहा है भारत के अंदर, वहां पे ये बात कर रहा है किस फेज की? साउथ फेज की। दक्षिण भारत में जो चुनाव है, केरला और तमिलनाडु की बात लेखक यहां पे करेगा। तो यहां पे देखिए, द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, जो भी येलो कलर में है अंडरलाइंड पार्ट है वो सबके सब सब्जेक्ट है, वह बताऊंगा कैसे निकालनी है आपको। तो द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, तो केरला और तमिलनाडु दो स्टेट्स जो हैं, अलोंग विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, साथ में यहां केंद्र शासित प्रदेश भी है पुडुचेरी। एक बात याद रखिए, अलोंग विद है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद में जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है कि वर्ब किसको देखकर लगाते हैं? सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्टेट्स है, और इसको देखकर हमने लगाया है आर, ठीक है। तो जो तमिलनाडु और केरला है किसके साथ? पुडुचेरी के साथ। आर गोइंग टू द पोल्स टुडे, आज वहां पे चुनाव हैं, ठीक है। गोइंग टू द पोल्स मतलब चुनाव हैं, टुडे आज। आफ्टर एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव कैंपेन, आफ्टर का मतलब बाद में, एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव कैंपेन, कैंपेन नाउन है, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है और डिटर्मिनर है एन। एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक कैंपेन मतलब चुनावी अभियान के बाद, काफी कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिला कैंपेनिंग के दौरान, और उसके बाद में यहाँ पर आज चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। वोटिंग इन ऑल 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है वो निर्वाचन क्षेत्रों को बोलते हैं। तो कह रहा है कि वोटिंग, वोटिंग मतदान किसमें? सभी 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव है, और केरला में 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव है। अब ये वोटिंग सब्जेक्ट था, इसको देखकर लग रहा है इज। टेकिंग प्लेस, तो ये यहाँ पे टेक प्लेस का मतलब हैपन हो रहा है, अकर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटिंग यहाँ पे हो रही है इन अ सिंगल फेज, एक ही फेज में, एक ही चरण में यहाँ पे सब वोटिंग है। तो तमिलनाडु में 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और केरला में 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर वोटिंग हो रही है सिंगल फेज में, ठीक है, अलग अलग चरणों में नहीं है, एक ही फेज में। इन तमिलनाडु एंड केरला, तो इन दोनों राज्यों के अंदर द डीएमके एंड द कांग्रेस, राजनीतिक पार्टियों के नाम जो होते हैं उनसे पहले द लगाते हैं, तो यहाँ पे द डीएमके है और यहाँ पे द कांग्रेस है, ठीक है। तो जो डीएमके और कांग्रेस है रेस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है, तमिलनाडु में डीएमके, केरला में कांग्रेस, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है। कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड मतलब कैन नॉट अफोर्ड, मान लीजिए, है ना, इल लग जाता है अफोर्ड से पहले, इसका मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती। तो तमिलनाडु और केरला में डीएमके और कांग्रेस जो है क्रमशः अफोर्ड नहीं कर सकती टू लूज अनदर इलेक्शन, एक और इलेक्शन हार जाना, तो एक और चुनाव ये हार जाए ऐसा यहां पे ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। द एआईएडीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो ये सरकार है इज सीकिंग, ये देखो इसकी वर्ब है, ये चाह रही है, ये तलाश रही है अ थर्ड स्ट्रेट मैंडेट, मैंडेट का मतलब जनादेश, ठीक है, ये चाह रही है कि लगातार तीसरी बार सत्ता में आ जाए, जनादेश इसी को मिले। वाइल जबकि दैट सीपीआईएम लेड एलडीएफ गवर्नमेंट, जबकि सीपीआईएम के नेतृत्व में जो एलडीएफ सरकार है केरला में, वो चाह रही है कि लगातार दूसरी बार इसको सत्ता मिल जाए। कंजर्केटिव का मतलब कंटिन्यूअसली, लगातार। टर्म का मतलब जो ये सत्ता में समय बिता रही है ना, उसी को टर्म बोलते हैं, अगले 5 साल और ये चुनाव में आ जाए, मतलब ये इस सीट पर आ जाए, फिर समझें।
तो तमिलनाडु और केरला में डीएमके और कांग्रेस क्रमशः अफोर्ड नहीं कर सकती एक और चुनाव हारना। तमिलनाडु में तो डीएमके हार चुकी है चुनाव, कांग्रेस यहां पे केरला में हार चुकी है, तो एक बार और हार जाए ऐसा ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। एआईएडीएमके गवर्नमेंट जो तमिलनाडु में है वो चाह रही है, वो सीक कर रही है, सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है, सीक शॉर्ट शॉर्ट ये लिख लीजिएगा, सीक एंड सेकेंड फॉर्म होती है शॉर्ट और थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट। तो ये यहाँ पे क्या चाहती हैं, ये चाह रही हैं तीसरा लगातार यहाँ पे जनादेश मिले, जबकि सीपीआईएम के नेतृत्व में जो एलडीएफ गवर्नमेंट है केरला में वो यहाँ चाह रही है कि लगातार दूसरी बार ये सत्ता में आ जाए। ठीक है, आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर प्रपोजिशन है इसलिए यहाँ पे आईएनजी है, तो कह रहा है कि सत्ता से 10 साल बाहर रहने के बाद द डीएमके होप्स, डीएमके सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये होप्स है, डीएमके की आशा है टू बी बैक कि ये वापस इन द सेडल, इन द सेडल मतलब इन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल, इन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण की स्थिति में, इन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद डीएमके की आशा है कि वो फिर से तमिलनाडु में सत्ता में आ जाएगी, मतलब कंट्रोल की स्थिति में आ जाएगी, मतलब उस सीट पर जो मेन सीट है वो सीट पे आ जाएगी। मीनवाइल जबकि देयर इज अ सर्च फॉर, मतलब इसी दौरान, यहां तक का एक सेंटेंस पूरा हो चुका है, अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां तक की बात में डीएम के सब्जेक्ट था, होप इसकी वर्ब थी, और इन द सेडल एक फ्रेज है, इसका मतलब है इन द पोजिशन ऑफ कंट्रोल। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ फ्रेजेस यहां पर आज आपको मिलेंगी, तो आप ये फ्रेजेस के मीनिंग लिख लीजिएगा। मीनवाइल इसी दरमियान देयर इज अ सर्च फॉर न्यू अलाइनमेंट्स, अलाइनमेंट्स का मतलब यहां पर अलायंस से है, अलायंस या यूनियन, ठीक है, गठबंधन, ये इसके मीनिंग है यहां पे। तो कह रहा है कि देर इज अ न्यू सर्च, देर इज अ सर्च, अ सर्च सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, तो सर्च है, तलाश है किसकी, न्यू अलाइनमेंट्स की इन बोथ स्टेट, दोनों राज्यों में नए गठबंधनों की तलाश है। ठीक है, मतलब नई पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए ऐसी तलाश है, नई पार्टी तलाश है कि जो साथ में आकर सरकार बना लें। द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटने की प्रक्रिया, तो जो फ्रेगमेंटेशन हुआ, द्रविडियन पॉलिटिक्स, द्रविडियन द्रविड राजनीति, मतलब जयललिता वहां पे एआईएडीएमके और एम करुणानिधि जो डीएमके के नेता हैं ये चूंकि गुजर चुके हैं, इनके बाद यहां पे द्रविडियन पॉलिटिक्स का फ्रेगमेंटेशन हुआ है, तो फ्रेगमेंट होने की कंडीशन को फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, तो ये है जो टूटी है राजनीति, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स जो कोलैप्स हुई है, फॉलोइंग किसके बाद कोलैप्स हुई है, इस चीज के बाद, पासिंग ऑफ, पासिंग मतलब यहां गुजर जाना, निधन हो जाना, कि जयललिता जो एआईएडीएमके, ये देखो राजनीतिक पार्टी का नाम अध्यय है, यहां पे राजनीतिक पार्टी का नाम अध्यय है, तो इनके चले जाने के बाद जयललिता जो एआईएडीएमके की नेता थी, एम करुणानिधि जो डीएमके के नेता थे, इनके गुजर जाने के बाद द्रविड़ियन पॉलिटिक्स यहां पे जो बिखर गई है, जो कोलैप्स हो गई है, हैज ओपेंड, तो इस फ्रेगमेंटेशन ने क्या किया है, ओपन अप किया है पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाओं को इसने जन्म दिया है, ओपन अप का मतलब खोल दिया है नई संभावना को। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन कमल हसन, एक्टर से राजनीति राजनेता बने कमल हसन, और फिल्म मेकर एंड तमिल नेशनलिस्ट सीमन, और ये फिल्म निर्माता हैं और तमिल राष्ट्रवादी हैं, क्या नाम है इनका, मतलब नेशनलिस्ट का मतलब सिटीजन है, तमिल सिटीजन है, और क्या नाम है इनका, ये नाम है इनका सीमन। ठीक है, तो तमिल राष्ट्रवादी और फिल्म प्रोड्यूसर सीमन, तो यहाँ पे बात दो की है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों ऑल्सो, ये भी फैंसी देयर चांसेस, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंट होना कि वो जीत सकते हैं, इनको भी ऐसी आशा है कि वो जीत सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, फैंसी वंज चांसेस का मतलब होता है ये बिलीव करना कि संभावना है जीतने की, ऐसा विश्वास करना कि हम जीत जाएंगे, उसको बोलते हैं फैंसी वंज चांसेस, तो इनको भी लगता है कि ये भी यहाँ पे जीत सकते हैं, एज क्योंकि दे जोसल, जोसल का मतलब यहाँ पे कंपीट करना है, कंपीट करना या स्ट्रगल करना, क्योंकि वे जो हैं, देख किसके लिए आ गया, कमल हसन और सीमन के लिए आया है, जोसल फॉर स्पेस इन द चेंज्ड सिनारियो, चेंज्ड का मतलब परिवर्तित, जो बदल गया है, सिनारियो मतलब परिदृश्य, सिनारियो यहां पे नाउन है, चेंज्ड यहां पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई एज द जोसल फॉर स्पेस, क्योंकि वे जो हैं, ये दोनों ही जो नेता हैं, ये यहाँ पे कंपीट कर रहे हैं फॉर स्पेस, मतलब इन्होंने कंपीट किया है स्पेस के लिए, इन द जगह बनाने के लिए, इस बदले हुए परिदृश्य में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, इसलिए इनको भी लगता है कि ये यहाँ पे जीत सकते हैं। तो यहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीज़ें थी, इन द सेडल, अलाइनमेंट्स, फैंसी देयर चांसेस, ये तीन चीज़ें नई थी, बाकी आपको सब्जेक्ट वर्ब मैंने समझा दिया है, आगे चलते हैं। जोसल भी यहाँ पे एक नया वर्ड था।
दो द बीजेपी इज फार फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब होता है स्ट्रांग पोजिशन, फुटहोल्ड से मतलब है स्ट्रांग पोजिशन, मजबूत स्थिति को बोलेंगे फुटहोल्ड। तो कह रहे यद्यपि बीजेपी जो है, बीजेपी राजनीतिक पार्टी तो दे का प्रयोग है इससे पहले, यद्यपि बीजेपी जो है वो काफी दूर है किस चीज से, स्ट्रांग पोजीशन प्राप्त करने से, ठीक है, बीजेपी अभी स्ट्रांग पोजीशन प्राप्त करने से काफी दूर है इन ईदर स्टेट दोनों में से किसी भी स्टेट में, मतलब तमिलनाडु में भी फुटहोल्ड नहीं मिलेगा और केरला में भी नहीं मिलेगा, ईदर का मतलब दो में से कोई एक, तो दोनों में ही स्टेट मान लो, ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर, दोनों में से कोई भी स्टेट के अंदर फुटहोल्ड प्राप्त करने से काफी दूर है। फ्रॉम प्रपोजिशन है इसलिए यहां पे आईएनजी लग गया, बीजेपी सब्जेक्ट है इसकी वर्ब ये इज है। इट्स अ लूमिंग इन्फ्लुएंस, यहां पे लूमिंग का मतलब है बढ़ते हुए, सोरिंग, लूम वैसे मंडराना होता है लेकिन यहां पे इसका मतलब सोरिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, राइजिंग है, ये सब इसके मीनिंग ले सकते हो। यहां पर इसका जो बढ़ता प्रभाव है किसका, बीजेपी का, इज एविडेंट, वो स्पष्ट है, एविडेंट का मतलब है क्लियर है, वो प्रभाव स्पष्ट है, इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है रेवरबरेशन, प्रतिध्वनि, रेवरबरेशन, प्रतिध्वनि, वाइब्रेशन, किस प्रतिध्वनि में, रिलीजियस अपील्स, दो धार्मिक आकर्षण है, इन द पब्लिक स्पेयर, लोक क्षेत्र में, स्पेयर का मतलब एरिया, क्षेत्र। तो कह रहा है कि भाई यद्यपि बीजेपी जो है वो दोनों ही राज्यों के अंदर फुटहोल्ड प्राप्त करने से दूर है, फिर भी कोमा लग गया, तो दो के बाद में कोमा भी लगा सकते हो, स्टिल या यट भी लगा सकते हो, फिर भी जो इसका बढ़ता प्रभाव है वो स्पष्ट है, किसमें, जो रिलीजियस अपील्स हैं पब्लिक स्पेयर में उसके प्रतिध्वनि में, तो लोक क्षेत्र में जो धार्मिक अपील है उसके रेजोनेंस में यहां पे साफ साफ नजर आता है कि इसका बढ़ता प्रभाव है, क्योंकि यहां पे रिलीजियस अपील ज्यादा है, धार्मिक आकर्षण ज्यादा है, ठीक है। इन केरला, केरला में द बीजेपी एंड द कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टी दे का प्रयोग, ये सब्जेक्ट भी हो गया, इसका वर्ब भी है प्रॉमिस्ड, तो केरला में इन दोनों ने प्रॉमिस किया है टू कीप द सबरीमाला श्राइन, श्राइन का मतलब तीर्थस्थल को बोलते हैं, यहां पे मंदिर से है, सबरीमाला जो मंदिर है आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है किसी को मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना कि वो उसमें एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सबरीमाला श्राइन को मतलब निषेध क्षेत्र में रखा जाएगा, महिलाएं वहां पे प्रवेश नहीं करेंगी, कौन सी महिलाएं, जो मस्टुरेटिंग एज की हैं, जो मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं, ठीक है, तो इस एज की जो महिलाएं हैं उनको यहां पे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साइटिंग, ये हवाला देते हुए, साइट का मतलब हवाला देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ट्रेडिशन परंपरा का हवाला देते हुए, ठीक है। तो केरला में बीजेपी और कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि सबरीमाला श्राइन को आउट ऑफ बाउंड्स रखा जाएगा, ये तीसरी फ्रेज देखो आज की, आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब होता है किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित कर देना, किसी क्षेत्र में वहां पर प्रवेश ना किया जाए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड्स। तो महिलाओं के लिए, जो मैस्टुरेटिंग एज की महिलाएं हैं, उनको आउट ऑफ बाउंड्स यहां पे मतलब उनके लिए ये श्राइन जो है आउट ऑफ बाउंड्स रखा जाएगा, इन्होंने ये प्रॉमिस किया है। और कैसे प्रॉमिस किया है, साइट करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है, हवाला देते हुए परंपराओं का, ठीक है। ये जो CITE है, इसके स्थान पर एक SITE होता है, वो स्थान होता है, एक SIGST होता है, वो विजन होता है, दृष्टि होती है। CITE का मतलब तो कहना, हवाला देना, ये होता है स्थान और ये होता है दृष्टि, विजन। आगे देखिए, वाइल द LDF क्वाइटेंड इट्स स्टांस, स्टांस का मतलब यहां पे अपना जो भी पोजीशन है ना, तो LDF ने क्वाइटेंड मतलब यहां पे चुप रही है, या क्वाइट अपने आप का जो स्टांस है, जो ये क्या नजरिया रखती है इस बात को लेकर, यहां पे इसने कुछ नहीं बोला है, फियरिंग, ये डरते हुए, अ हिंदू बैकलैश की, यहां पे हो सकता है कि हिंदुओं के नेगेटिव प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, नेगेटिव रिएक्शन को बोलते हैं बैकलैश, नेगेटिव रिएक्शन, बैकफायर भी कह सकते हैं इसको, नेगेटिव रिएक्शन, नकारात्मक प्रतिक्रिया। जबकि LDF जो है उसने अपने स्टांस को, अपनी पोजिशन को क्वाइटन रखा है, शांत रखा है, कारण क्या है, डरते हुए हिंदू बैकलैश का, कि हिंदू नेगेटिव प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए। तो यहां पे LDF सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब क्वाइटेंट है। आगे देखो, अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द LDF, तो LDF का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब LDF पार्टी का एक कोई निर्वाचक, मतलब कह सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जो घटक होता है उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो एक पार्टी का नेता मान लीजिए, LDF का जो एक नेता है, उन्होंने कहा कि लव जिहाद वॉज ए मैटर, कि लव जिहाद एक मैटर है, कंसर्न का, चिंता का विषय है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो सेड है, ठीक है। इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहा कि भाई ये एक मैटर है, द DMK सोट टू गिव इटसेल्फ, DMK ने क्या चाहा है, ये चाहा है गिव इटसेल्फ है मेक ओवर, मेक ओवर का मतलब होता है चेंज, इंप्रूवमेंट करना, चेंज करना, सुधार करने के लिए बदलाव करना,
तो इसने ये चाहा है कि अपने आप का एक सुधार किया जाए, अपने आप का एक मेकओवर किया जाए, पूरा बदलाव किया जाए एज ए पार्टी, एक ऐसी पार्टी के रूप में टू नॉट एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल का मतलब होता है अपोज्ड, वो पार्टी जो कि विरोधी नहीं है, या फिर कॉन्ट्रेरी टू को बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी टू इसको बोलते हैं एंटीथेटिकल, वो पार्टी जो कि विपक्ष में नहीं है, वो पार्टी जो कि विरोध में नहीं है टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, परंपराओं के, और मतलब कस्टम्स रीति रिवाजों के एंड ट्रेडिशंस परंपराओं के, ठीक है। तो यहां पे डीएमके ने चाहा है तमिलनाडु में, ये कंसर्न तक यहां तक पूरा हो गया, और फिर कहा कि तमिलनाडु में डीएमके ने चाहा है कि अपने आप का मेकओवर करे, अपने आप का बदलाव करे, एक ऐसे पार्टी के रूप में उभर कर आए जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनके विरोधी के रूप में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्जेक्ट था सेड वर्ब थी, डीएमके सब्जेक्ट था सोट वर्ब थी, एंटीथेटिकल का मतलब हमने सीखा, मेकओवर का मतलब हमने सीखा, बैकलैश का मतलब सीखा, आउट ऑफ बाउंड्स देखा, फुटहोल्ड देखा, ठीक है, रेजोनेंस देखा, ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में थी। आगे देखिए, इन द राइवलरी, राइवलरी का मतलब विरोध कह सकते हो या एक प्रकार से दुश्मनी कह सकते हो, तो यहाँ पे जो राइवलरी है द्रविडियन कैंप्स की इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो द्रविडियन कैंप है, मतलब AIADMK और DMK के बीच में जो दुश्मनी है, जो राइवलरी है, जो विरोध है, द कांग्रेस यूज टू बी द स्विंग पावर, तो इसमें कांग्रेस जो है वो हुआ करती थी, यूज टू मतलब एक पास्ट की बात बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है, स्विंग पावर का मतलब ये मतलब चेंज करती थी कि सत्ता किसके पास आएगी, वो डिसाइड करने निर्णायक भूमिका कांग्रेस निभाती थी कि भाई कौन यहाँ पे सत्ता में आएगा, ठीक है। तो राइवलरी जो चल रही है द्रविडियन कैंप के अंदर तमिलनाडु में, उसमें कांग्रेस यहाँ पे स्विंग पावर की भूमिका निभाया करते थे, स्विंग का मतलब झूलना होता है, जिस ओर कांग्रेस उधर ही सत्ता झुक जाती थी। वेदर इट रिटेन्स, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, मेंटेन, तो क्या ये मेंटेन करती है दैट रोल, वही रोल स्विंग पावर का रोल, इज टू बी सीन, वो देखा जाना है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये वही रोल ये क्या मेंटेन करेगी, इस चीज को देखा जाना है, तो इट को देखकर रिटेन्स है, ठीक है। और ये जो पूरी बात है वेदर इट रिटेन्स दैट रोल, ये पूरा क्लोज है, इसके लिए इज दे रखा है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो, इसके बाद में वैद्य राहुल गांधी पर्सनल फॉर्चून टू एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। अब राहुल गांधी का खुद की जो पर्सनल जो फॉर्चून है, फॉर्चून का मतलब भाग्य, यहाँ पे मान लीजिए जीतने और हारने की संभावना, ठीक है। तो ये जो पर्सनल उनका फॉर्चून है वो भी रिस्क पे है, वो भी यहाँ पे रिस्क पे है। द रिपल्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, रिपल्स का मतलब यहाँ पे है रिपरकशन, परिणाम, रिपरकशन। तो इसके जो परफॉर्मेंस है केरला में, तो जो कह रहा है कि द रिपल्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन केरला विल बी फेल्ट फॉर द कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, तो कह रहा है पूरे देश में महसूस की जाएगी कांग्रेस की जो भी मतलब यहाँ पे स्थिति रहेगी, जो परफॉर्मेंस इसकी रहेगी, उसको पूरे देश की परफॉर्मेंस से यहाँ पे तुलना की जाएगी, मतलब पूरे देश में असर डालेगी ये चीज़। तो कह रहा है कि राहुल गांधी की पर्सनल फॉर्चून्स यहाँ पे रिस्क पे हैं, खुद का मतलब यहाँ पे रिस्क पे है, ये भी मतलब चूंकि वायनाड से सांसद है, पता है आपको, तो इनकी खुद की प्रतिष्ठा, इनकी खुद की मतलब भाग्य जो है वो रिस्क पर है। तो रिपल्स जो हैं इनकी परफॉर्मेंस के, मतलब कांग्रेस के परफॉर्मेंस का जो परिणाम है वो यहाँ पे महसूस किया जाएगा, ये विल बी फेल्ट पैसिव वॉइस है फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए पूरे देश भर में। रिपल्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो विल बी फेल्ट है। द कैंपेन्स जो चुनावी अभियान है इन TN एंड केरला, तमिलनाडु और केरला में, वर थैंकफुली नॉट सेंटर्ड अराउंड, वो सही है, थैंकफुली मतलब बहुत ही अच्छी सी बात है ये कि ये सेंटर्ड अराउंड नहीं थे, मतलब ये केंद्रित नहीं थे कम्युनलिज्म पर, कम्युनल सांप्रदायिकता पर, ठीक है। बट मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स, ये होता है महिलाओं के विपक्ष में, महिलाओं के विरोध में दिए गए टिप्पणियां, महिलाओं पर की गई टिप्पणियां, मिसोजिनिस्टिक वैसे होता है महिलाओं से नफरत करने वाला, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों के द्वारा, और प्रोग्रेसिव पार्टीज, किस प्रतिनिधि, प्रोग्रेसिव पार्टीज के, ठीक है, जो भी प्रगतिशील पार्टीज वहां पे हैं उनके, वर अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भाग्यपूर्ण थे, क्या दुर्भाग्यपूर्ण थे, स्टेटमेंट जो दिए गए थे वो, समझ गए। तो कैंपेन्स जो है तमिलनाडु और केरला में वो काफ़ी अच्छी बात रही, थैंकफुली यहाँ पे एडवर्ब है कि ये इस बात का धन्यवाद रहा, ये थैंकफुली मतलब ये कहें ना ईश्वर का शुक्रिया है, शुक्रगुजार हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स जो है वहाँ पे जो कैंपेन्स थे वो सांप्रदायिकता पर आधारित नहीं थे, लेकिन कुछ महिला विरोधी टिप्पणियाँ जो हैं, स्टेटमेंट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, प्रोग्रेसिव पार्टी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, वर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। आगे देखिए, पार्टीज
एंड द पीपल, लोग मतलब पार्टीज और लोग, मस्ट पुट अ कॉस्ट ऑन, ये पुट अ कॉस्ट ऑन का मतलब मान लीजिए कि उनको पनिश करना चाहिए, ठीक है, उनको जुर्माना लगना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए। तो पार्टीज और जो लोग हैं उनको, ऐसे लीडर्स को, वो लीडर्स, अब ये हुरिलेटी प्रोनाउन है, ये लीडर्स के लिए आ रहा है, वो लीडर्स जो कि ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देते हैं, ऑफेंसिव का मतलब है इंसल्टिंग, अपमानजनक, इसका मतलब है इंसल्टिंग, या फिर कह सकते हो डेरोगेटरी, अपमानजनक, तो वो पार्टीज और मतलब पार्टीज और लोग जो हैं उनको, उन लीडर्स को, वो लीडर्स जो कि ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देते हैं उनको पनिश करना चाहिए। ऑल पार्टीज इन बोथ स्टेट्स, दोनों राज्यों में सभी पार्टीज जो हैं, अपीयर्ड, ऐसा लगा, टू सपोर्ट वेलफेयरिज्म, ये क्या चीज़ होती है, ये वेलफेयर स्टेट के संबंधित जो प्रिंसिपल हैं, आइडियोलॉजी हैं, उसको बोलते हैं वेलफेयरिज्म। अब वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ये गवर्नेंस का एक सिस्टम है जिसमें जो स्टेट है वो वादा करती है नागरिकों से कि भी आपके आपके वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, आपके अच्छे स्वास्थ्य का, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, उसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, और उससे संबंधित सिद्धांतों को बोलते हैं वेलफेयरिज्म। तो सभी पार्टीज जो हैं दोनों स्टेट्स में, ऐसा लगा कि इन्होंने वेलफेयरिज्म को सपोर्ट किया थ्रू वेरियस मोड्स, भिन्न भिन्न तरीकों से, थ्रू माध्यम के लिए आता है, प्रेपोजिशन है, वेरियस भिन्न भिन्न, चूंकि वेरियस बहुवचन संज्ञा आती है तो मोड्स है, अलग अलग तरीकों से। बट लेस अटेंशन वॉज पेड, लेकिन कम ध्यान दिया गया, ये पैसिव वॉइस वॉज पेड, लेस अटेंशन सब्जेक्ट था, लेकिन कम ध्यान दिया गया टू डिस्कसिंग, किस पर ध्यान कम दिया गया, टू डिस्कसिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है, कम ध्यान दिया गया इस चीज को डिस्कस करने में, मतलब आर्थिक और विकास के जो मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे और विकास के मुद्दे हैं, इनको, इन पर कम ध्यान दिया गया, ठीक है। अब यहां पे ये जो डिस्कसिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, टू के बाद तो V0 लगना चाहिए था, लेकिन यहां पे पेज टू करके इसने क्या किया है, आगे नाउन लगा दिया है, ठीक है, इन मुद्दों पर, कि इन चर्चाओं पर ध्यान कम दिया गया, इसको नाउन बना दिया इसने, ठीक है। तो यहां तक देखें तो ऑल पार्टीज सब्जेक्ट था इस सेंटेंस में, अपीयर्ड वर्ब थी, लेस अटेंशन सब्जेक्ट था, वॉज वर्ब थी। आगे देखो, अनलेस द फोकस इज ऑन ग्रोथ, अनलेस का मतलब यदि नहीं, मतलब इफ नॉट के अर्थ में आता है, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में नोट नहीं लगाते हैं, तो यदि फोकस ग्रोथ पर नहीं है, द इनकमिंग गवर्नमेंट्स, तो आने वाली जो सरकारें हैं, इन बोथ तमिलनाडु एंड केरला, दोनों राज्यों में संभावना के लिए आता है, हो सकता है कि फाइंड द प्रेजेंट वेलफेयरिज्म अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल जो चलने योग्य नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है। तो कह रहा है कि यदि फोकस ग्रोथ पर नहीं है, तो आने वाली सरकारें जो हैं तमिलनाडु और केरला में, वो हो सकता है कि वर्तमान में जो वेलफेयरिज्म चल रहा है उसको अनसस्टेनेबल पाए, ठीक है, वो मतलब चलने योग्य नहीं हो, ऐसा इनको लगने लग जाए कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये चलने योग्य नहीं है। द रोल ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज, तो कह रहा है कि जो रोल है सेंट्रल एजेंसीज का, ठीक है, ड्यूरिंग द कैंपेन, चुनावी अभियान के दौरान, वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, ये एकदम विवादास्पद था। देखो, सेंट्रल एजेंसी मतलब CBI है। अब क्या होता है, जनरली आप देखते हैं कि चुनाव के समय CBI की रेड पड़ जाती है, ठीक है, ये सेंट्रल एजेंसी का प्रयोग है ताकि जो विपक्षी पार्टियां उनको दबाया जा सके, वो उसी में लगी रहें, चुनाव प्रसार ध्यान ना दे पाएं। तो इसलिए कह रहा है कि जो रोल है सेंट्रल एजेंसीज का कैंपेन के दौरान, वो कॉन्ट्रोवर्शियल था फॉर सेवरल रीजंस, अनेकों कारणों से, सेवरल के बाद नाउन आती है, प्लूरल आती है। ट्रू, ये सच है, इट इज देयर ड्यूटी, कि ये उनका कर्तव्य है, किनकी ड्यूटी है, सेंट्रल एजेंसीज की ड्यूटी है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, ड्यूटी नाउन है, टू इन्वेस्टिगेट इलीगल एक्टिविटीज, की वो जांच करें किसकी, गैर कानूनी गतिविधियों की। अब इन्वेस्टिगेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसलिए इसके बाद में हम प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, याद रखिए, जबकि इन्वेस्टिगेशन अगर होता है नाउन तो हम इनटू लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सच है कि ये उनकी ड्यूटी है सेंट्रल एजेंसीज की, कि वो इलीगल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करें, बट इफ दे डू सो इन अ मैनर, लेकिन यदि वो, दे यहां पे फिर से किसके लिए, सेंट्रल एजेंसीज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब ये है, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं किसी ऐसे तरीके से, दैट सीमिंगली हेल्प, सीमिंगली का मतलब अपेरेंटली, जो कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से, बिल्कुल साफ साफ हेल्प करता है द रूलिंग पार्टी, जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका, एट द सेंटर, केंद्र में, एंड कॉन्स्ट्रेंस, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट डालना, कर्ब कह सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, और अगर रुकावट डालती है इट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके कामकाज में, ड्यूरिंग द कैंपेन, चुनावी अभियान के दौरान, द इलेक्शन गेट्स विशिएटेड, विशिएट का मतलब स्पॉइल, तो इलेक्शन जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है, फिर समझना,
कि यदि वो सेंट्रल, मतलब ये तो उनका काम है मान ली बात कि इन्वेस्टिगेट करेंगी वो गैरकानूनी गतिविधियों को, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं किसी ऐसे तरीके से, तरीका कौन सा, अब ये मैनर के लिए आ रहा है कि वो तरीका सीमिंगली एडवर्ब है जो कि प्रत्यक्ष रूप से या साफ साफ दिखता है, जो रूलिंग पार्टी को हेल्प करता है सेंटर में, और क्या करता है, और यहाँ पे वो तरीका जो कि रुकावट डालता है राजनीतिक विरोधियों के मार्ग में कैंपेन के दौरान, तो इलेक्शन जो है विशिएटेड हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, डैमेज हो जाता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग जो है, मस्ट टेक नोट, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आता है, कंपल्सन के लिए आता है, तो जरूर से जरूर चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, मस्ट टेक नोट ऑफ दिस इंक्रीजिंग अनहेल्दी ट्रेंड। तो ये जो बढ़ता हुआ अनहेल्दी अस्वस्थ ट्रेंड का मतलब ये प्रवृत्ति चल रही है, अस्वस्थ का मतलब यहाँ पे ठीक नहीं है, ये मतलब उचित नहीं है, जो अनुचित ये क्रियाविधि चल रही है इसका ध्यान देना चाहिए, एंड डू और करना चाहिए व्हाट इज इसेंशियल, जो कुछ भी जरूरी है, इसेंशियल का मतलब जो भी नेसेसरी है, जो आवश्यक है वो चीज़ करनी चाहिए। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इस फ्रेज, ये एक और फ्रेज आ गई, इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि ऐसी स्थिति जिसमें बराबर का अवसर मिले सभी को जीतने का, फेयर चांसेस मिले जीतने के, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इलेक्शन में सभी पार्टियों को फेयर चांसेस मिलेंगे, सभी को बराबर जीतने के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात का ध्यान देना चाहिए, मस्ट टेक नोट ऑफ दिस, ये टेक नोट ऑफ दिस का मतलब है कि ध्यान देना चाहिए, तो इस चुनाव आयोग को जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए इस बढ़ते हुए अनुचित इस ट्रेंड का, और करना चाहिए जो भी जरूरी है किसके लिए, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित किया जा सके इलेक्शंस में। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब देखते हैं रिवीजन में, कॉन्स्ट्रेंट शब्द है, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट, तो फर्स्ट में जोड़ेंगे आप क्या, डी। सीमिंगली शब्द है, सीमिंगली का मतलब होता है अपेरेंटली, तो जोड़ दीजिए ए से, मतलब प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। एंटीथेटिकल का मतलब होता है अपोज्ड या कॉन्ट्रेरी टू, विपक्ष, विरोधी। बैकलैश का मतलब रिएक्शन, जनरली नेगेटिव रिएक्शन के लिए यूज करते हैं ये। और एक अंतिम बचा जोसल, जोसल का मतलब कम्पीट, प्रतिस्पर्धा करना, ये वैसे धक्का मुक्की करने के लिए जोसल यूज करते हैं, यहाँ पे कम्पीट करने का मीनिंग दे रहा था। तो ये था दोस्तों आज के एडिटोरियल में, अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।